राज एक प्राइवेट ऑफिस में 9 to 5 की जॉब करता था। वो अपने काम पर वफादार था और देखने में काफी हैंडसम था। इस कंपनी की मालकिन मिस टीना राज पर हमेशा नजर गड़ाए रखती थी, क्योंकि टीना राज को पसंद जो करती थी। टीना हमेशा अपने केबिन से राज पर नजर रखती थी। राज एक शादीशुदा इंसान है और वो अपने बीवी से बहुत प्यार करता है। उसकी शादी गंगा से हुई थी। अरे गंगा, काफी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। गंगा रसोई में खाना बना रही होती है। हाँ हाँ आई जी, खाना लेकर आपके लिए तो मर मर के खाना बना रही हूँ। एक गैस तक नहीं है, इस चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है। मेरी सुंदरता तो ऐसे ही ढल गई है। मम्मी पापा क्या देख के जो आपसे शादी दिए नहीं पता। मम्मी बोल रही थी शादी के बाद तुम्हारे हर शौक पूरे होंगे। यहाँ तो कुछ भी शौक पूरा नहीं होता और यहाँ पर नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है। गंगा यूं ही बड़बड़ाती रहती है, क्योंकि उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े से घर में रहना और घर में बहुत सारे नौकर चाकर हो और वो महारानी की तरह रहे, ऐसा रहना पसंद है। बड़बड़ाते हुए गंगा खाना लेके आती है राज के लिए। ये लीजिए जी आपका खाना, खा लीजिए। अरे गंगा ऐसे क्यों कह रही हो, तुम नहीं खाओगी? अरे नहीं जी, मुझे भूख नहीं है, हर रोज एक ही खाना खा के मैं पक चुकी हूँ। अच्छा चलो, कल संडे है, कल तुम्हें बाहर ले जाऊंगा खाने के लिए, अब तो ठीक है ना? सच में जी, कल हम बाहर जाएंगे खाने के लिए? हाँ बाबा हाँ। राज जहाँ तक हो सकता है अपनी बीवी को खुश रखने का कोशिश करता है। राज और गंगा दोनों रेस्टोरेंट आए हुए थे। आज राज का जन्मदिन था। अरे राज, एक चीज अच्छा हुआ, आज आपका जन्मदिन भी है और हम लोग बाहर खाने भी आ गए, दोनों एक ही साथ हो गया सेलिब्रेट। हाँ हाँ सही कह रही हो। अरे राज एक केक मंगा लीजिए ना, और अच्छा लगेगा, आज तो आपका जन्मदिन है, केक तो बनता है। अरे नहीं नहीं गंगा, यहाँ का केक काफी महंगा है, हम लोग बाहर जाके कहीं केक खा लेंगे। राज और गंगा दोनों बातें कर रहे थे। इसी रेस्टोरेंट में पीछे चेयर पर टीना बैठी हुई थी, काफी देर से राज और गंगा को नोटिस कर रही थी। तभी अचानक उठ के आती है राज के पास। अरे राज तुम यहाँ आज? अरे मैडम आप यहाँ? ओ इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है। अरे गंगा ये मेरी मैडम है, बॉस। ओ हेलो जी, हेलो जी। हेलो, आज यहाँ अचानक से रेस्टोरेंट में? वो जी आज मेरे राज का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। क्या आज राज का जन्मदिन है? राज तुमने बताया नहीं, तो मैं कुछ खास गिफ्ट लेके आती तुम्हारे लिए। अरे तुम लोगों ने केक मंगाया? वो नहीं जी। अरे रुको रुको मैं मंगाती हूँ राज के लिए स्पेशल केक, यहाँ बहुत टेस्टी केक मिलता है। अरे वेटर एक बड़ा सा केक लेके आओ, स्पेशल वाला। गंगा केक के नाम से खुश हो जाती है। कुछ ही समय में वहाँ एक बड़ा सा केक टेबल पर रखा रहता है। गंगा टीना और राज तीनों वहीं थे। चलो राज अब केक काटो। फिर राज केक काटता है और गंगा को और मैडम को खिलाता है। ठीक है राज तुम लोग सेलिब्रेट करो, मैं चलती हूँ। टीना वहाँ से चली जाती है। अरे राज आपके बॉस तो बहुत अच्छी है, हम लोगों ने सोचा था कि केक खाएंगे, देखिए केक ऑर्डर हो गया, कितना टेस्टी केक है, हम लोग तो कभी भी नहीं खा सकते थे, इतना बढ़िया केक हमें मिल गया। एक रोज गंगा और राज मार्केट की ओर से जा रहे थे। गंगा को चारों तरफ कपड़े और भी बहुत सारे सामान दिख जाते हैं। गंगा कहती है राज से, अरे राज राज देखो ना कपड़े 50% ऑफ है, चलो ना एक कपड़े दिला दो ना राज। अरे नहीं गंगा, इस महीने की सैलरी आने दो फिर दिला देंगे। कंजूस कहीं का, हमेशा ही कुछ नहीं दिलाते हो, मेरी तो जिंदगी ऐसे चौपट हो गई। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर गंगा को बड़ी बड़ी टीवियां मोबाइल दिख जाते हैं। वो राज से कहती है, अरे राज देखो देखो कितनी बड़ी टीवी और मोबाइल भी देखो कितने अच्छे अच्छे, चलो ना अंदर चलो ना। अरे मैंने तुमसे कहा ना अभी सैलरी नहीं आई है, कहाँ से खरीदेंगे? अरे राज खरीदेंगे नहीं तो देख के तो आ सकते हैं, चलो ना एक बार मेरे लिए प्लीज अंदर चलो ना। गंगा के जीत करने पर राज स्टोर के अंदर जाता है। राज और गंगा दोनों स्टोर के अंदर आते हैं। गंगा चारों तरफ बड़ी बड़ी टीवियां और मोबाइल देखकर भौंक जाती है। अरे राज देखो कितनी बड़ी बड़ी टीवियां हैं, अरे मोबाइल देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। हाँ हाँ गंगा बहुत अच्छे हैं, अब देख लिए अब चलो। अरे राज 2 मिनट रुको ना मैं एक बार मोबाइल देख लेती हूँ। फिर गंगा जाकर वहाँ पर रखे मोबाइल में से एक मोबाइल उठाती है और देखने लगती है। तभी वहाँ का शॉपकीपर कहता है, अरे बहन जी कौन सा मोबाइल चाहिए कहिए।
अरे भाई साहब, हमें कोई मोबाइल वगैरह नहीं चाहिए, बस यूं ही आए थे थोड़ा सा देखने के लिए। अरे भाई साहब, ये कोई देखने की दुकान है क्या कि कोई भी मुंह उठा के आ गए और मोबाइल हाथ में लेके देखने लगे? चले जाइए, खरीदना है तो खरीदिए, अगर औकात नहीं है तो दुकान से बाहर निकलिए। यहाँ कोई देखने के लिए मैं सो करके नहीं रखा हूँ। देखी गंगा, तुम्हारे लिए सुनना पड़ गया ना, अब मोबाइल रखो और चलो यहाँ से। गंगा मोबाइल को वहाँ रख देती है और दोनों स्टोर से बाहर निकल आते हैं। घर आकर राज काफी गुस्साए हुए था गंगा के ऊपर। अरे मेरे ऊपर गुस्सा के क्या फायदा, मेरे ऊपर क्यों गुस्सा रहे? ज्यादा कमाते तो हम लोग वो मोबाइल खरीद सकते थे और वो आदमी हमें कहने की हैसियत भी नहीं रखता था। और आप ही तो हैं कि कुछ भी नहीं कमाते हैं, तो मैं क्या करूं? यहां तो बस दो टाइम का पेट का खाना होता है, कोई भी एक कपड़ा नहीं मिलता, ना कोई गहना, तो दूर की बात है, मुझे तो कुछ भी शौक पूरा नहीं होता है। कभी कितने सालों बाद लगता है आज रेस्टोरेंट गए थे। अरे गंगा, धीरे धीरे मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, फिर तुम्हारे शौक पूरे कर दूंगा। अभी नहीं है तो अभी तो चुप रहो, कम से कम शांति से रहने तो दो घर में। हाँ हाँ, कब होंगे सैलरी बढ़ेंगे, कब पूरे होंगे मेरे शौक? गंगा राज को पसंद नहीं करता था उतना, क्योंकि राज उसके शौक नहीं पूरे कर पाता था। लेकिन राज गंगा से प्यार करता था, इसीलिए इतना सुनने के बाद भी वो हमेशा ही चुप रहता था। गंगा एक सुपरमार्केट में मार्केटिंग करने आई थी, सब्जियां वगैरह एवं ग्रोसरी का सामान खरीदने आई हुई थी। अरे कितने अच्छे अच्छे सामान हैं, अरे कितना बड़ा सा गाड़ी है, मेरे पास तो खरीदने के पैसे ही नहीं है, क्या करूं, शादी जो हुआ है उनसे। गंगा बड़बड़ाते हुए आगे आती है। वही सुपरमार्केट में टीना भी गई हुई थी। टीना गंगा को देखकर कहती है, अरे तुम वही हो ना, राज की बीबी गंगा? हाँ हाँ मैडम जी, मैं तो वही गंगा हूँ। अरे अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, तुमसे कुछ बातें करनी है। कहिए क्या बातें करनी है? अरे तुम्हें जो सामान चाहिए वो तो पहले ले लो। ले ली मैडम जी, बस इतना ही लेना था। हाँ मैडम जी, इतने ही पैसे थे तो इतने ही खत्म हो गए मेरे सारे पैसे। चलो आओ मेरे साथ। तब टीना गंगा को वहाँ से अपने साथ लेके जाती है। टीना गंगा को अपने घर लेके आती है। ये आपका घर है? हाँ गंगा, ये मेरा घर है, बैठो और बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? मैं तो चाय ही पियूंगी, मुझे चाय बहुत पसंद है। ठीक है तुम बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। गंगा सोफे में बैठ जाती है और पूरे घर को इधर उधर घूम के देखती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर, इतने बड़े घर में तो पूरा मोहल्ला आ जाएगा, ये तो अकेले रहती है। अरे गंगा क्या सोच रही थी, ये लो तुम्हारा चाय। थैंक यू मैम साहब। अच्छा मैम साहब, आप इतने बड़े घर में रहते, बड़ा मजा आता होगा ना आपको रहने में? अरे नहीं नहीं, मजा कहाँ आता है, अकेले रहने में किसी को मजा नहीं आता है, यहाँ तो मैं बोर हो जाती हूँ इतने बड़े घर में, पापा भी मुझे इतना बड़ा घर दे दिए हैं। अरे जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है, जिसको मिलता है उसको चाहिए नहीं। अरे गंगा क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि काश मेरा भी इतना बड़ा घर होता। अरे तुम्हारा भी हो सकता है, बस एक कदम की देरी है, एक कदम आगे बढ़ाओ, देखो तुम्हें भी मिल जाएगा इतना बड़ा घर। लेकिन कैसे मैम साहब, मैं तो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाई हूँ। बोलो तुम्हें चाहिए ये घर वगैरह, पैसा, अमीरों की जिंदगी? हाँ हाँ जरूर चाहिए, किसी को किसको नहीं चाहिए होगा, उसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा। क्या मैम साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। देखो गंगा, मैं तुम्हें ये बड़ा सा घर तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी और तुम्हारी जिंदगी अमीरों वाली हो जाएगी। सोचो कितना सारा पैसा होगा, तुम जो चाहोगी वो खरीद सकती हो। लेकिन बस बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मैम साहब, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें राज की शादी मुझसे देनी होगी, राज को मुझसे शादी करने के लिए मनाना होगा। ये क्या कह रही हो मैम साहब, आप पागल ओगल हो गई हो? मैं अपने पति को किसी और से शादी करने के लिए मनाऊं, ये कैसे हो सकता है? सोचो तुम्हें ये सारे शौक एक ही बार में पूरे हो जाएंगे, अगर तुम चाहो तो तुम ही कर सकती हो ये सब। अब तुम घर जाके सोचना और सोच के मुझे बताना कि तुम्हें क्या चाहिए, ये गरीबों वाली जिंदगी, जिल्लत वाली, जो भी चीज खरीदना चाहो वो खरीद नहीं सकती हो, कहीं मॉल में जाओ वहाँ तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया जाता है, या फिर अमीरों वाली जिंदगी, तुम जिस चीज पे हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी होगी, बस एक कुर्बानी, सोच लो फिर अच्छे से। गंगा अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है गंगा, तुम जरूर मान जाओगी, क्योंकि तुम्हें पैसों का बहुत शौक है, तुम्हें चाहिए अमीरों की जिंदगी, वो तुम्हें मैं दूंगी, मैं ही दे सकती हूँ, और तुम मुझे मेरा प्यार दोगी। रात का वक्त हो रहा था, राज सो चुका था, लेकिन गंगा को नींद नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में सिर्फ टीना की बातें घूम रही थी।
सुबह का वक्त हो रहा था। राज ऑफिस जाने वाला था, उससे पहले अपना चाय का इंतजार कर रहा था। तभी गंगा चाय लिए राज के पास पहुंचती है। अरे गंगा, क्या हुआ? आज तुम थोड़ा सा खोई खोई लग रही हो, कोई बात है क्या? बोलो। हाँ जी, एक बात तो है, लेकिन आप मना कर देंगे। अरे पहले कहो तो सही, पहले सुन तो लूँ, फिर मना करूँगा या नहीं करूँगा वो बात की बात है। नहीं नहीं, पहले आप मेरी कसम खाइए कि आप ना नहीं कहेंगे। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? नहीं, जब तक आप मेरी कसम नहीं खाएंगे मैं नहीं बताऊंगी। गंगा ज्यादा जीत करने लगती है। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारी कसम मना नहीं करूंगा, बताओ अब। आप उस टीना मैडम से शादी कर लीजिए। ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी शादी कर लूँ? तुम अपने घर सौतन लाना चाहती हो? प्लीज मान जाइए ना, अगर आप उससे शादी करेंगे तो हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा, हमें घर मिलेगा, हम महारानी की तरह रह सकते हैं। इस गरीब खंडर से अच्छा तो वहाँ राजमहल में रहेंगे ना। तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। देखिए आपने मेरी कसम खाई है, आप मना नहीं करेंगे। राज गुस्से से वहाँ से चला जाता है। राज मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेंगे। गंगा राज और टीना को मंदिर ले जाकर शादी दिला देते हैं। इस शादी से गंगा काफी खुश थी क्योंकि वो अब अमीर बनने वाली थी। आज टीना और राज की सुहागरात थी। टीना बैठे इंतजार कर रही थी राज का। राज धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। राज मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, आज तुम्हें मैंने पाकर बहुत खुश हूँ। इधर टीना को राज का प्यार मिल जाता है और इधर शर्त के मुताबिक गंगा को टीना सब कुछ दे चुकी थी। गंगा अब किसी भी दुकान में जाती घूम के नहीं आती, पूरा दुकान का सामान खरीद लेती थी। गंगा के पास अब पैसा था, घर था, वो आराम की जिंदगी और अमीरों वाली जिंदगी बिता रही थी। गंगा अपने इस लाइफ स्टाइल से काफी खुश थी, जो वो चाहती थी हमेशा से वो सब कुछ उसे मिल चुका था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन ज्यादा खुश है, टीना जो कि अपनी प्यार को पाकर खुश है, या फिर गंगा जो हमेशा से चाहती थी कि उसके पास दौलत हो, सौलत हो, आज उसके पास सब कुछ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रीना अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसकी माँ सोनाली रीना को उठाने के लिए आती है। अरे रीना बेटी, रीना रीना उठ जा बेटी, काफी सुबह हो गई है। अरे माँ अभी तो सोई हूँ, सोने दो ना थोड़ा सा, क्यों जगा रही हो, कौन सा बड़ा काम है मेरा? अरे बेटी जरा सज धज के बाहर आ जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। अरे माँ तू भी पागल हो गई हो, हर रोज किसी न किसी को घर बुला लेती हो मुझे देखने के लिए, अब इसे भी रिजेक्ट करना पड़ेगा मुझे। अरे बेटी तेरी शादी की उम्र हो गई है, एक शादी करके अपने ससुराल चली जा, मुझे शांति मिलेगी। क्या माँ तेरे शांति के चक्कर में मैं फंसती हूँ, चल जा मैं आती हूँ रेडियो के। सोनाली जी वहाँ से चले जाते हैं और रीना बिस्तर पर उठकर बैठती है। अरे रीना सोच सोच कोई बहाना सोच, इसे तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। रीना शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले उसको शादी दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। लड़का सूरज और उसके पापा लड़की देखने के लिए रीना के घर आए हुए थे, वो दोनों बिस्तर पर बैठे हुए थे। तभी रीना की माँ रीना को लेकर वहाँ पहुँचती है। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर है आपकी बेटी, मुझे तो बड़ी पसंद है। बेटा तुझे कैसी लगी? अरे रीना बेटा जाओ वहाँ पे बैठो, तुम लोग दोनों आपस में बातें कर लो, तुम लोग खुल जाओगे तभी पता चलेगा तुम दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हो कि नहीं। चलिए भाई साहब हम लोग थोड़ा सा बाहर घुमाते हैं और बच्चों को थोड़ी सी बातें करने देते हैं। अरे हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, चलिए चलते हैं बाहर। रीना की माँ और सूरज के पापा दोनों वहाँ से चले जाते हैं रीना और सूरज को अकेला छोड़, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करके थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और जान पहचान भी बढ़ जाए। अरे रीना तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? अरे पढ़ी लिखी तो छोड़िए, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? अरे तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। अरे पागल उगल हो गए क्या, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों, मुझ में ऐसा क्या कमी है, देखने में अच्छा खासा हूँ, अच्छा खासा पैसे भी कमाता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, क्यों नहीं करना चाहती मुझसे शादी तुम? अरे मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब कहिए आप क्या मुझसे शादी करोगे? अरे क्या तुम पागल उगल हो गई हो क्या,
तुमको लड़कियों में इंटरेस्ट है? जी 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 जी, मैं गलत घर आ गया। अरे पापा पापा पापा। सूरज के पापा जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। अरे हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा, इतना जल्दी क्यों बुलाया? अरे पापा, आप यहाँ से चलिए मेरे साथ जल्दी, मुझे शादी उदी नहीं करनी है इसके साथ। लेकिन बेटा क्या हो गया, बता तो जरूर। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चलिए यहाँ से आप। सूरज अपने पापा को यहाँ से लेके चला जाता है। इधर रीना की माँ रीना से कहती है, अरे बेटी ये क्या कर दी, इस लड़के को भी भगा दी, तू शादी कब करेगी और क्यों नहीं करना चाहती है, मुझे तो बता बेटी, मुझे भी तो शादी देनी है, तेरी तेरी शादी देखना है, कब से मेरी ख्वाहिश है, कब पूरी होगी बेटी, तू ऐसे करती रही तो मैं कभी भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकूंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा ना कहो तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, ऐसा ना कहो, अब दोबारा भी ऐसा मत करना कभी भी। तो बेटी मेरी खुशी के लिए तू शादी कर ले बेटी। रीना अपने कमरे में बैठकर इस बात को सोचने लगती है, उसकी माँ के कहे हुए बात, उसके दिमाग में यही बात बार बार घूमते रहता है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, लगता है मुझे अब शादी करनी पड़ेगी माँ की खुशी के कारण। रीना की शादी मनोज के साथ हो जाती है। आप दोनों की शादी संपन्न हुई। रीना की माँ इससे काफी खुश हो जाती है कि उसकी बेटी शादी कर ली, लेकिन रीना जरा से भी खुश नहीं थी। इधर मनोज की माँ और मनोज की बहन दोनों काफी खुश थी उसके बेटे की शादी से। आज रीना की शादी की सुहागरात थी, कमरे को फूलों से सजाया गया था। रीना बिस्तर पर बैठकर मनोज का इंतजार कर रही थी कि कुछ ही समय में मनोज वहाँ पहुँचता है। अरे वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है आसमान से चांद नीचे धरती पर आ गया है। अरे बस बस बस, और कितना तारीफ करेंगे आप मेरा। अरे तुम तारीफ के काबिल हो, तभी तो तारीफ कर रहा हूँ। रीना शर्मा जाती है। मनोज रीना के नजदीक जाने का कोशिश करता है, तभी रीना कहती है, अरे 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 रुकी 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 रुकी, इतनी हड़बड़ी भी क्या है। अरे आज हमारी स्वागत है, इतनी हड़बड़ी कहाँ, शादी के बाद ही तुम्हारे नजदीक आने का कोशिश कर रहा हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या। अरे नहीं नहीं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक बात है, अगर आप मानोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ कहो, कौन सी बात है, कोशिश करूँगा मानने की। सुनिए ना, मुझे कुछ समय चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो दिया तुम्हें जितना वक्त चाहिए वो ले लो, जिस दिन तुम राजी होगी उसी दिन हम सुहागरात मनाएंगे, उससे पहले नहीं। मनोज ये कहते हुए दूसरे कमरे की ओर चला जाता है सोने के लिए। अरे चलो फंसते फंसते बची, अगर मैं इस पे ये डायलॉग नहीं चिपकाती तो आज तो मेरी पोली खुल जाती। ये है मीनू, मनोज की छोटी बहन, वो कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी भाभी रीना आती है उसे चाय देने के लिए, और मीनू को सोते देख चाय का कप टेबल पर रख देती है और मीनू को निहारने लगती है अच्छे से। अरे कितनी खूबसूरत है और कितनी गोरी है ये। और ऐसे ही मीनू को निहार रही थी कि अचानक से मीनू का नींद टूट जाता है। अरे भाभी भाभी, आप यहाँ कब आए आप, और मुझे उठाए नहीं, आप कुछ बोल रही है क्या। अरे नहीं नहीं मीनू, वो मैं तुम्हें चाय देने के लिए आई थी, वो इसीलिए तुम सो रही थी तो मैं यहाँ रुक गई, ठीक है मैं पी लूंगी, अब आप जाइए। फिर रीना वहाँ से चली जाती है और इधर मीनू सोच रही थी, अरे ये भाभी को क्या हो गया, यहाँ वो मुझे क्यों घूर रही थी। एक सुबह रीना सोफे पर बैठी थी, तभी इधर मनोज और उसकी माँ दोनों आती है। मनोज रीना से कहता है, अरे रीना मैं माँ को डॉक्टर दिखाने जा रहा हूँ, हो सकता है रात हो जाए आते आते, ध्यान से रहना। हाँ ठीक है, आप लोग निश्चिंत होके जाइए, हम लोग ठीक रहेंगे और मीनू का भी मैं क्या ध्यान रखूंगी। चलो माँ चलते हैं। हाँ बेटा चलो। मनोज और उसकी माँ दोनों डॉक्टर दिखाने के लिए चले जाते हैं और इधर रीना सोचती है मन ही मन, अरे आज घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मीनू हूँ, आज ही मौका है, इस मौके को नहीं छोड़ना है, अगर आज हाथ में आ गई तो और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मीनू अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ रीना आती है कॉफी लेकर। अरे मीनू
ये लो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आयो। तुम्हें कॉफी पीना काफी पसंद है ना? ठीक है भाभी अब रख दूँ, मैं बाद में पी लूंगी। अरे नहीं नहीं ठंड हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, एक बार पी के देखो बड़ा टेस्टी बना है। ठीक है लाओ। फिर रीना मीनू को कॉफी देती है और मीनू वो कॉफी एक दो बार पीती है और कुछ ही समय में वहाँ गिर कर बेहोश टाइप हो जाती है। अरे मीनू इस कॉफी का कमाल तो यही है कि सामने वाले को बेहोश कर देता है। अब मेरा काम हो जाएगा, अब मेरे अंजाम तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता है मुझे। मीनू को एक कुर्सी में रस्सी से बांध देती है रीना और उसके साथ गलत करने का कोशिश करती है। तभी अचानक से मीनू को होश आता है, वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। अरे ये क्या मुझे, अरे भाभी आपने मुझे क्यों बांधा है ऐसे? अरे भाभी ऐसा क्यों कर रही हो आप मुझे? आप मुझसे दूर जाओ भाभी, ये क्या कर रही हो तुम मुझे? अरे मीनू मान जा, देख मेरी बात मान जा, एक बार मान जा दोबारा तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं बांधोगी। लेकिन भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आपकी तो शादी हो गई है तो मेरे साथ क्यों? हम क्योंकि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे भैया के में तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है। मान जा मीनू। आप पागल हो गई हो भाभी, आप पागल हो गई हो पूरी तरह से। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। मनोज और उसकी माँ दोनों अभी अभी घर आए थे, मीनू की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी से उस कमरे में पहुँचते हैं और मीनू को बंधा देख शॉक्ड हो जाते हैं। अरे भैया बचाओ मुझे, बचाओ भाभी से। अरे मीनू तुम्हें क्यों बांध के रखा गया है? अरे रीना तुम इसे क्यों बांधी हो? अरे भैया ये भाभी मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रही थी, मुझे बांध कर। क्या? मनोज रीना को एक जोरदार तमाचा मारता है, रीना नीचे गिर पड़ती है। इधर मीनू को रस्सियां खोल देती है उसकी माँ। अरे बेटा मुझे तो पहले से ही डाउट था इस लड़की पर, इसके गुण ठीक नहीं है, मुझे पहले से ही लग रहा था। हाँ हाँ माँ मुझे भी यही लग रहा है, मुझे तो इस पर डाउट तभी हो गया था जब पहली रात इसने मुझे बांधा लिया था कि मैं इसे टच ना करूँ। अरे माँ छोड़ो मुझे लगता है इसे कोई बीमारी है, मैं कल ही डॉक्टर से मिलता हूँ, इसे दिखा लेता हूँ, हो सकता है वो ठीक हो जाए। फिर सभी कोई वहाँ से चले जाते हैं और रीना वहीं नीचे पड़ी रहती है। मनोज रीना को डॉक्टर साहब के पास लेके आते हैं, डॉक्टर साहब रीना को अच्छी तरह से चेक करते हैं और कहते हैं, अरे मनोज जी इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इंसानी शरीर में हो जाता है, किसी किसी को लड़कियां पसंद आती है तो किसी किसी को लड़कों, ऐसे हार्मोन के कारण होता है, इसके अंदर जो हार्मोन है जिसके कारण इसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में इंटरेस्ट है, ये स्वाभाविक सा कारण है। क्या डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो सकता है? अरे नहीं नहीं ये तो भगवान की देन है, मैं कैसे इसमें हाथ लगा सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद मनोज रीना को डिवोर्स दे देता है और उसे एक नया फ्लैट खरीद के दे देता है और उसे एक नौकरी भी दिला देता है। देखो रीना मैं इससे ज्यादा तो और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और तुम्हें अपने साथ रख भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे शौक कुछ अलग है, इसलिए आगे का लाइफ तुम अपने हिसाब से जियो, मैं यही चाहता हूँ तुम खुश रहो बस, क्योंकि तुम घर नहीं जा सकती, तुम्हारे घर वाले भी क्या सोचेंगे, इसीलिए तुम अब आजाद हो, तुमको जो इच्छा लगे वो करो। मनोज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा, मेरी शादी तो तुमसे जबरदस्ती हो गई थी, माँ की खुशी के कारण मैं तुमसे शादी कर ली थी, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद कर दिया, थैंक यू मनोज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मनोज वहाँ से चला जाता है और इधर रीना अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगती है।